हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका WWE 2K23 के सबसे खतरनाक फाइट में, क्योंकि ये है टेबल मैच। और गाइस, इस फाइव मैन टेबल मैच में पांच लीजेंड मुकाबला करने वाले हैं एक दूसरे से, ब्रॉक लेसनर, रोमन रिंग्स, द ग्रेट खली सर, गोल्डबर्ग और जॉन सीना। और गाइस, इस मैच का रूल एकदम सिंपल सा है, जो टेबल तोड़ेगा वो जीतेगा, और इस मैच के अंदर एलिमिनेशन भी ऑन है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के मैच को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, जब तक मैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना है। All right guys, five man table match start हो गया है, और स्टार्ट में ही द ग्रेट खली सर ने अपना टू हैंड चॉक स्लैम चिपका दिया जॉन सीना को, और जॉन सीना स्टंट हो गए भाई। मैच के स्टार्ट के 10 सेकेंड में ही स्टंट हो गए जॉन सीना को भाई। जॉन सीना कवर स्टार है 2K23 के, बट फिर भी इतना नॉर्मल सा बनाया हुआ है भाई, थोड़ी देर में वो हार जाते हैं, स्टंट हो जाते हैं, तो भाई ऐसा लगता है कि जॉन सीना एकदम ही गए गुजरे से सुपर स्टार है। 2K24 में थोड़ा तो पावर देना चाहिए 2K वालों को जॉन सीना को। यहाँ पे स्टंट हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर भी, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को अभी ही जैक हैमर पड़ा है गोल्डबर्ग की तरफ से। द बिग बूट पड़ते ही गोल्डबर्ग डाउन तो हो गए थे भाई। जॉन सीना मारते हुए थोड़ा सा अच्छा लगते हैं, बट भाई जब भी मैं देखता हूँ इनको, जब भी मैं अपने फाइट के अंदर लेता हूँ, मारी खाते रहते हैं बैक टू बैक भाई, बैक टू बैक। यहाँ पे फिनिशर लग रहा है, सभी सुपरस्टार के पास में दो दो फिनिशर थे, पांचों सुपरस्टार के पास में, इसलिए बैक टू बैक फिनिशर लगे जा रहा है। यहाँ पे गिलिटिन के लिए चले गए हैं भाई ब्रॉक लेसनर। द ग्रेट खली सर रिवर्स तो कर लिया, बट सबमिशन, पिनफॉल ये सब कुछ नहीं है, तो गिलिटिन देख के कुछ मतलब नहीं है ब्रॉक लेसनर। खाली आप द ग्रेट खली सर की बॉडी थोड़ी बहुत डैमेज कर सकते हो ये सब मूव से। रिवर्स तो हो गए ये, क्योंकि सबमिशन की तो है नहीं, टैप आउट होगा नहीं, और अगर टैप आउट हुआ भी तो वो क्या होगा, हार माने जाएगी या फिर नहीं माने जाएगी? मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं माने जाना चाहिए, क्योंकि अरे कौन एलिमिनेट हुआ भाई, ये टेबल टूटा कैसे? टेबल रखे रखे ही टूट गया क्या? कोई एलिमिनेट तो हुआ नहीं तो भी टेबल टूट गया, ये कैसे हुआ? किसने टेबल तोड़ा भाई? कैमरामैन अपना काम ठीक से कर भाई, क्योंकि टेबल किसने तोड़ा, टेबल टूटा कैसे, ये देखने को ही नहीं मिला कि टेबल टूटा कैसे, और कोई भी एलिमिनेट भी नहीं हुआ। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर आउट भाई, एलिमिनेट है ब्रॉक लेसनर। अगर टेबल टूटा तो ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट हो गया ब्रॉक लेसनर स्टार्ट में ही भाई। बहुत ही बड़े दुश्मन है द ग्रेट खली सर ब्रॉक लेसनर के। जब भी द ग्रेट खली सर वर्सेस ब्रॉक लेसनर होता है, ब्रॉक लेसनर को भाई कच्चा छवा जाते हैं द ग्रेट खली सर। स्टिक लेकर आ गए जॉन सीना, जॉन सीना की बुराई मैंने किया स्टार्ट में, इसलिए जॉन सीना थोड़ा सा गुस्से में आके भाई स्टिक वगैरह से आके मार रहे। डबल पंच द ग्रेट खली सर का और गोल्डबर्ग का, डबल पंच पड़ा जॉन सीना को। जॉन सीना की स्टिक जॉन सीना के ऊपर ही टूट गई, जॉन सीना ही वो स्टिक लेकर आए थे। ये भाई ये इन्वर्ट चॉक स्लैम मतलब फेस की तरफ से चॉक स्लैम पड़ा है भाई उनको। द ग्रेट खली सर बाय डिफॉल्ट WWE 2K23 के अंदर नहीं है, मोडेड है ये, और जिसने भी मोड बनाया है ना भाई, डबल ओपी उनका काम है, क्योंकि एकदम परफेक्ट बनाया गया है भाई। गोल्डबर्ग बहुत ही खतरनाक डोमिनेट करते हुए दोनों ही सुपरस्टार को डाउन कर दिए थे, रोमन रिंग्स और द ग्रेट खली सर दोनों को ही डाउन कर दिए थे, बट वापिस उन लोग कम बैक किए। और भाई ये जो मैच जीतने वाली डाए हैं, जो टेबल तोड़ के ही जीत सकते हैं, टेबल पे टेबल आया जा रहे हो, पर दो या तीन टेबल टूट चुके हैं और एलिमिनेशन सिर्फ हुआ है एक का, ब्रॉक लेसनर का। मुझे लगा था कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रिंग्स एंड तक का रहेंगे, बट ब्रॉक लेसनर को स्टार्ट में ही द ग्रेट खली सर ने एलिमिनेट कर दिया। अब हो गया है 2 vs 2, और ये 2 vs 2 बहुत ही खतरनाक रहेगा भाई, कोई किसी को जीतने नहीं देगा। सुपरमैन पंच, ये क्या हुआ, ग्लिच हो गया क्या या फिर ब्लॉक हुआ? सुपरमैन पंच तो लगा था, स्पीयर भी लगना चाहिए था, बट शायद से वो ग्लिच हुआ या फिर खली सर ने ब्लॉक कर दिए। खली सर जब चॉक स्लैम मार के टेबल तोड़ेंगे ना, वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, सिर्फ वो देखने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, बट वो होगा नहीं भाई। डबल पंच दूसरी बार जॉन सीना को, इसके पहले भी जॉन सीना को द ग्रेट खली सर और गोल्डबर्ग मिलकर मारे थे डबल पंच, और यहाँ पे भाई स्पीयर भी लगने ही वाला है। इसके पहले ग्लिच हो गया था, बट इस बार ग्लिच नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट लगा। जैक हैमर, जॉन सीना भी डाउन भाई, चार सुपरस्टार बचे और चारों की हेल्थ जो डाउन है, कसम जो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। स्पीयर, रोमन रिंग्स की दवाई, रोमन रिंग्स को ही मिली है अभी। रोमन रिंग्स भी स्पीयर मार मार के बहुत एलिमिनेशन करते हैं, और गोल्डबर्ग भी स्पीयर मारते हैं हम सभी को पता, और गोल्डबर्ग ने स्पीयर मार के रोमन रिंग्स को डाउन कर दिया।
दोबारा से रिंग के अंदर जाना। अच्छा, जो ये राइट साइड में जो टेबल है, जो कमेंटेटर का टेबल है, अगर वो तोड़ेंगे तो वो एलिमिनेशन मानी जाएगा क्या उससे? अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि साइड वाला जो टेबल है, जो कमेंटेटर का टेबल है, वो तोड़ने से एलिमिनेशन काउंट होता है या फिर नहीं होता है। टैपआउट से तो नहीं होगा, टैपआउट जो करते सबमिशन के टाइम पे जो टैप आउट करते हैं उससे एलिमिनेशन तो नहीं होगा, ये पक्का है। बट वो टेबल है, वो भी टेबल की काउंट में आएगा ना, वो भी टेबल ही है, तो उससे होगा या फिर नहीं होगा कमेंट करके बताना अगर पता होगा तो। तो भाई द ग्रेट खली सर जब सोते तो ऐसा लगता है कि एक पूरा पहाड़ भाई लेटा हुआ है जॉन सीना के पीछे पड़े हुए द ग्रेट खली सर। और डाउन, रोमन रिंग्स डाउन, तीन टेबल टूट चुका है, एक एलिमिनेशन हुआ है, चार सुपरस्टार भाई लगे पड़े हैं जीतने के लिए। और ये टेबल खड़ा कैसे है भाई? ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है फिजिक्स नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, ऐसा खड़ा हो गया अभी एकदम से। सुपरमैन पंच गोल्डबग को भी लगेगा, बच गया भाई गोल्डबग, रिवर्स हो गया, वरना सुपरमैन पंच को लगने वाला था गोल्डबग को, और उसके बाद में स्पेयर भी लग ही जाता था। टू हैंड चॉक स्लैम और जॉन सीना डाउन, ओ रिवर्स कर लिया जॉन सीना, बच गए भाई। टेबल रख के टू हैंड चॉक स्लैम मारना चाहिए द ग्रेट खली सर को किसी को, और टेबल तोड़ना चाहिए, मजा आएगा देखने में। तो ग्रेट खली सर भाई हारने वाले एलिमिनेशन, अच्छा कॉर्नर पे फेंक दिया, मुझे लगा कि टेबल के ऊपर फेंकेंगे गोल्डबग और अपना फिनिशर मारेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। गोल्डबग जो डोमिनेट करते हैं ना, खतरनाक डोमिनेट करते हैं भाई, कम बैक करने का मौका नहीं देते किसी भी रेसलर को। रोमन रिंस को भी मारे जा रहे हैं, द ग्रेट खली सर को भी मारे जा रहे हैं। ये क्या था भाई, आरकियो भी मारते हो क्या जॉन? सॉरी रोमन रिंस आरकियो भी मारते हैं क्या? और खड़े में टेबल टूटा तो जैसा जो पोजीशन पे अभी टेबल है, जो कि उसके ऊपर क्रैक आ चुका है टेबल के ऊपर, अगर ऐसे में टेबल टूटा तो भी एलिमिनेशन काउंट होगा। फेंकना चाहिए किसी को उस टेबल के ऊपर, समझ में आ जाएगा, देखने में मिल जाएगा कि वो टेबल काउंट होता है या नहीं होता है। भाई ब्रिस ब्रेन लग गया भाई, और अब तो मुझे लगता है कि बहुत देर के बाद ही मैं आँख खुलने वाली है गोल्डबग की। और गाइस एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि दो दिन के बाद आने वाला है 2K24, ये ट्यूजडे को ही रिलीज़ हो जाएगा PS5 के लिए, और उसके बाद जो कॉन्टेंट बनेगा वो नेक्स्ट लेवल रहेगा भाई। हर रोज़ न्यू वीडियो आएंगे, हर रोज़ लाइव स्ट्रीम होगी। यहाँ पे जैक हैमर लगाएगा भाई, और ये डाउन, स्टंट हो गया भाई रोमन रिंग्स। हाँ अब होगा ना भाई तहलका, क्योंकि द ग्रेट खली सर ने बाहर वाला जो टेबल है वो निकाल दिया है भाई, बट जॉन सीना को देखा नहीं गया, जॉन सीना ने डाउन कर दिया चेयर से द ग्रेट खली सर को। जॉन सीना आप ही तोड़ के दिखा दो ना वो टेबल टूटने से एलिमिनेशन होता है या नहीं होता है। जैक हैमर, कितना जैक हैमर मारे जा रहे हैं भाई, फिनिशर पे फिनिशर चिपकाए जा रहे हैं गोल्डबग। अगर एलिमिनेशन मतलब कोक होती तो अभी तक का रोमन रिंग्स आउट हो गए होते, क्योंकि रोमन रिंग्स की बॉडी हो चुकी है पूरी की पूरी रेड। किसी को बाहर फेंक के वो बाहर का टेबल तोड़ना चाहिए, देखने में मजा आएगा। तो अब एक और एलिमिनेशन होने वाला है, क्योंकि साइड में एक टेबल लग चुका है, और हाँ ऐसे ही ऐसे द ग्रेट खली सर ला के फेंक दो उस टेबल पे, बट रिवर्स हो गया भाई। ये क्या था? जॉगिंग करने लगे थे अचानक से द ग्रेट खली सर, अचानक से जॉगिंग करने लगे टेबल के पास में, वो ड्रैग करके लेके जाने की कोशिश थी गोल्डबग की, बट रिवर्स कर लिए द ग्रेट खली सर ने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि द रॉक बहुत ही जल्दी एलिमिनेट होकर चले गए भाई, आउट भाई, ये कैसे हो गया? गोल्डबग सीधा आउट भाई, टेबल टूटा और गोल्डबग आउट, दोनों ही एलिमिनेशन द ग्रेट खली सर ने ही किया है, ब्रॉक लेसनर का भी और गोल्डबग का भी। नीचे से टेबल लाना पड़ेगा भाई, टेबल की कमी हो गई है, टेबल चार टेबल टूट चुका है ऊपर, और दो एलिमिनेशन हो चुका है गोल्डबग का और ब्रॉक लेसनर का, और दोनों ही एलिमिनेशन किए हैं द ग्रेट खली सर ने। ओ एचटीएफ लग गया, अब होगा भाई टैप आउट, नहीं हुआ टैप आउट, रिवर्स हो गया, मुझे लगा कि टैप आउट होगा बट टैप आउट नहीं हुआ। टैप आउट होके भी कुछ मतलब नहीं था, ये एलिमिनेशन होता नहीं उससे।
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टेबल तोड़ के ही जीत सकता है रेसलर इस मैच के अंदर। और खून निकल गया भाई, ब्लड आ गया जॉन सीना का। जॉन सीना का हेड पूरी तरीके से रेड हो चुका है और लेफ्ट में लेके जाके, लेफ्ट में लेके जाके टेबल टूटा भाई, टेबल टूटा। एलिमिनेशन हो गया जॉन सीना का भी। अब होगा द ग्रेट खली सर वर्सेस रोमन रिंग्स, और रोमन रिंग्स के जीतने के थोड़े से ज़्यादा एडवांटेज है रोमन रिंग्स को, क्योंकि रोमन रिंग्स के पास में है दो दो फिनिशर और द ग्रेट खली सर के पास में कोई भी फिनिशर नहीं है। और द ग्रेट खली सर एज कम्पेयर टू रोमन रिंग्स ज़्यादा मार खाए हुए हैं, क्योंकि उनका हेड भी ऑरेंज है भाई, और ऑरेंज के साथ साथ में उनकी हेल्थ भी पूरी तरीके से रेड है। वो भाई पावर बम्प भी बाहर, बॉडी से भी ब्लड निकलना चाहिए 2K24 के अंदर, ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि बॉडी से भी ब्लड निकले। जॉन सीना आप हार चुके, आप अभी तक वहां पे क्या कर रहे हो? स्टिक फेस के ऊपर द ग्रेट खली सर के, और ग्रेट खली सर के हेड से भी खून निकल चुका है। जब तक वो स्टिक टूटेगी नहीं तब तक रोमन रिंग्स भाई वो ग्रेट खली सर को मारते ही रहेंगे। पांच बार में वो स्टिक टूटती है, पांचों की पांचों डंडा भाई द ग्रेट खली सर के सर पे और बॉडी पे पड़ा है। रोमन रिंग्स तो बहुत ज्यादा ही मार रहे द ग्रेट खली सर को, कुछ ज्यादा ही मार दिया भाई, कमबैक करने का मौका ही नहीं दे रहे ट्राइबल चीफ। स्पीयर भी लगने ही वाला, स्पीयर किया बनाए तो थे मौसम, मगर भाई स्पीयर नहीं मारे। टेबल खत्म हो गया है क्या बाहर, या फिर अनलिमिटेड टेबल रहता है इस गेम के अंदर? टेबल दिख तो रहा नहीं है क्योंकि चार या पांच टेबल टूट चुका है अभी तक का में। टेबल निकालो सर टेबल, क्योंकि मैच बहुत लंबी होते जा रही है। पिछले दो मैच से मेरी मैचेस 20-20 मिनट की हो रही है। लास्ट मैच हुई थी 20 मिनट की, उसके पहले वाली हुई थी 18 मिनट की, ये भी मुझे लग रहा है कि 17-18 मिनट तक का जाने वाली है। बड़े बड़े सुपरस्टार चले गए भाई, वैसे तो पांचों सुपरस्टार एकदम लीजेंड थे इस मैच के अंदर, बट फिर भी गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर, ये दोनों सुपरस्टार भाई चले गए। मैंने जॉन सीना का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2K23 के अंदर जॉन सीना बहुत ही भाई फुद्दू सा बनाया हुआ है, बहुत जल्दी हार जाते हैं। आज एटलीस्ट थर्ड नंबर पे उनका एलिमिनेशन हुआ, बट वैसे स्टार्ट के 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो एलिमिनेशन हो जाता है उनका। द ग्रेट खली सर स्टाइल बाद में मार लेना, पहले जाके नीचे से टेबल लेकर आओ और रोमन रिंग्स की छुट्टी करो। मुझे लगता है कि रोमन रिंग्स जीत जाएंगे भाई, ऐसा मुझे लग रहा है। सुप्लेक्स खतरनाक, नीचे टेबल तो रखा हुआ है। आ भाई सुपरमैन पर स्पीयर, स्पीयर लगेगा और डाउन, स्टंड हो गए द ग्रेट खली सर, स्टंड। उठेंगे भी नहीं भाई अब जल्दी, टेबल नीचे से निकाल के लेकर आएंगे और उठा के सीधा टेबल टूटा। रोमन रिंग जीत गए भाई, अगर यहाँ पे रिवर्स नहीं हुआ तो रोमन रिंग जीत गए। देखना अब रिवर्स करते हैं या नहीं करते द ग्रेट खली सर। और स्टंट भी उनका खत्म हो गया, स्टंट से खड़े तो हो गए हैं और साइड में रख के टेबल तोड़ेंगे भाई, मजा आएगा देखने में, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जो भी टेबल तोड़ेगा साइड में रख के मजा ही आ जाएगा देखने में। ओ द ग्रेट खली सर, मुझे लगा कि उठा के सीधा टेबल पे फेंकेंगे और टेबल तोड़ देंगे और जीत जाएंगे। ओ भाई टू हैंड चॉक स्लैम, साइड में फेंक दे, लेफ्ट साइड फेंक दे, अगर राइट साइड फेंक होते तो हो सकता था कि टेबल टूट जाता। तो भाई पांच सुपरस्टार थे इस मैच के अंदर, दो सुपरस्टार का, ब्रॉक लेसनर का और गोल्डबर्ग का, एलिमिनेशन किया द ग्रेट खली सर ने। और जॉन सीना का किसने किया भाई? जॉन सीना का भी द ग्रेट खली सर ने किया ना, मैं भूल गया इतना बड़ा मैच हो गया, इतना लंबा मैच हो गया कि मैं भूल गया कि जॉन सीना का एलिमिनेशन किसने किया। मुझे तो लग रहा है कि द ग्रेट खली सर ने किया, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, रिवर्स करके देखना पड़ेगा मुझे कि किसने किया था। तो भाई ये लगेगा डाइव, सुसाइड डाइव। चलो बाहर आ गए हो रोमन रिंग्स तो बाहर वाला ही टेबल तोड़ दो। द ग्रेट खली सर बहुत ही ज्यादा मार खा रहे हैं भाई, पूरी तरीके से हेल्थ डाउन हो चुकी है, हेड पूरा रेड है, बॉडी पूरी रेड है, फिर भी रोमन रिंग जीतने के लिए नहीं देख रहे भाई, सिर्फ और सिर्फ मारे ही जा रहे हैं। अब हाथ से मार मार के थक गए, स्टिक से मार मार के थक गए, तो अब मार रहे हैं बाहर की स्टील लैडर से। ये द ग्रेट खली सर बार बार जॉकिंग क्यों करने लग जाते हैं?
अच्छा 2K12 वालों ने इतना अच्छा बनाया है, सब कुछ एकदम बेस्ट है। और जो ये AI है, AI को ये जो साइड का टेबल और कॉमेंटेटर का टेबल इन लोगों को खोलना तो सिखा दिया AI वाले ने, AI ने, बट वो तोड़ना सिखाया नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि वो नहीं टूटेगा, अगर टूटना होता तो अभी तक का टूट गया होता था, क्योंकि रोमन रिंग्स इतने बार उसको थ्रो किए द ग्रेट खली सर को, और द ग्रेट खली सर भी अभी थ्रो कर रहे हैं, बट वो स्टील पे ही कर रहे हैं। ओ भाई बोल, अच्छा लेकर आ तो गए भाई, रिवर्स नहीं करना बस। हाँ अब मुझे लग रहा है कि टूट जाना चाहिए। अरे जंप मार के तोड़ोगे क्या? जंप मार के ऊपर से सुसाइड डाइव करके तोड़ोगे क्या? हाँ तो अब वो पक्का है कि AI को पता ही नहीं है भाई कि वो टेबल तोड़ना होता है, वो टेबल नहीं टूटेगा। टूट गया भाई, टूट गया ग्रेट खली सर, मार दो चौक से हम, टूट गया भाई, द ग्रेट खली सर जीत गए, रिवर्स नहीं हुआ तो जीत गए, द ग्रेट खली सर इज विनर भाई, खतरनाक मैच। तो भाई मज़ा आ गया मैच में, आप लोगों को कैसी लगी ये मैच मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइस लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, और गाइस अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट फाइट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। We'll be right back.